हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास ट्वेल्थ के छात्रों के लिए केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के मैं पांच ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करूंगा जो बोर्ड परीक्षा 2020 में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है या बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं और ये क्वेश्चन है ये दो दो मार्क्स के रहेंगे, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से है, इनुलिन से फ्रक्टोस कैसे प्राप्त करते हैं, समीकरण दीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक या दो नंबर का ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। इनुलिन स्टार्च के समान एक पॉलीसेकेराइड है जिसका सामान्य सूत्र होता है C6H10O5n, यानी पूरे का होल n होता है। इनुलिन को तनु H2SO4 के साथ जल अपघटित करने पर फ्रक्टोस प्राप्त होता है, यानी ये इनुलिन है इसको H2SO4 के साथ जल के साथ अपघटित करते हैं तब हमें फ्रक्टोस प्राप्त होता है। तो देखिए इसका रासायनिक समीकरण आप यहाँ पे देख सकते हो, इनुलिन का सूत्र ये लिखा हुआ है C6H10O5n प्लस NH2O, यहाँ पर अणुओं की संख्या H2O के अणुओं की संख्या कितनी ले ली हमने N, और किसके साथ तनु H2SO4 यहाँ पर लगा दिया इसके साथ, यानी ये जल हो गया, ये इनुलिन हो गया और ये H2SO4 हो गया, इसके साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें फ्रक्टोस प्राप्त हो जाता है। फ्रक्टोस का क्या सूत्र होता है C6H12O6। फ्रेंड ये हो गया इसका रासायनिक समीकरण। चलिए इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन क्या है, इनके महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। तो प्रोटीन क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त संकीर्ण कार्बनिक यौगिक होते हैं, प्रोटीन एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं, प्रोटीन यानी प्रोटीन व एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं, प्रोटीन एमिनो अम्ल परस्पर पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ये आपको याद करना है, डेफिनेशन है इस तरीके से, इसके उपयोग अथवा कार्य अथवा महत्व इस तरीके से हैं। ये हमारे यानी प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर रचना में भाग लेना है, ये हमारे शरीर का मुख्य भाग बनाती है। शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। शरीर में उपापचय क्रिया में एंजाइम जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, सभी एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। चौथा है, आवश्यकता से अधिक प्रोटीन शरीर का उच्च ऊर्जा प्रदान करती है। तो आप लिख सकते हो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दो नंबर का पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा में। तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ऐसे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह उपस्थित होते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, यानी जिनमें एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, अथवा वे कार्बनिक यौगिक जो जल अपघटन पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का मुख्य भाग है, मनुष्य के लिए कार्बोहाइड्रेट के उत्तम स्रोत हैं गेहूं, चावल, मक्का, केला, अन्य फल, आलू इत्यादि, इनके द्वारा हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। अभी देखिए कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, भौतिक गुणों के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है, नंबर एक शर्कराएं, नंबर दो अशर्कराएं। ये क्रिस्टली मीठे तथा जल में घुलनशील होते हैं जैसे ग्लूकोज, फ्रैक्टोस, चीनी, शर्करा, लैक्टोस, और ये अक्रिस्टलीय स्वादहीन और जल में अविलेय होते हैं जैसे स्टार्च, सेलुलोज। अभी ये वाला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, डीएनए और आरएनए में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए, अथवा इस तरीके से आ सकता है ये डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है, दो नंबर का आएगा ही आएगा ये, तो इसको जरूर याद कर लेना, ये बायोलॉजी में ही पूछा जाता है। देखिए नंबर एक, डीएनए में उपस्थित शर्कराएं डीऑक्सी राइबोस हैं और आरएनए में उपस्थित शर्कराएं डी राइबोज हैं।
नंबर दो, डीएनए में साइटोसिन तथा थायमिन पिरिमिडिन क्षारकों के रूप में होते हैं, और आरएनए में साइटोसिन तथा यूरेसिल पिरिमिडिन क्षारकों के रूप में होते हैं। डीएनए में द्विकुंडलित व हेलिक्स संरचना होती है, और आरएनए अणु एकल कुंडलित होते हैं और अल्फा हेलिक्स संरचना होती है। पॉइंट नंबर फोर है, देखिए डीएनए अणु अत्यधिक विशाल होते हैं, इनका आणविक द्रव्यमान 6×10⁶ माइक्रो से 16×10⁶ माइक्रो के मध्य होता है, और आरएनए अणु अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। फ्रेंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन क्या होते हैं, इनके महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 4 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। तो ये क्या होते हैं विटामिन, यानी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक बीटा जिसका अर्थ होता है लाइफ, और दूसरा एमिन्स जिसका अर्थ है बेस आधार, अर्थात विटामिन जीवन का आधार है। अतः ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं तथा मनुष्य के शरीर को ठीक वृद्धि तथा उनकी जीवन क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक हैं विटामिन कहलाते हैं। हॉपकिंस ने कहा था विटामिन की उपस्थिति स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है, इनके अभाव से शरीर में विशेष रोग हो जाते हैं। मुख्य विटामिन है ए बी सी डी ई, इनका वर्गीकरण जल में विलेयता के आधार पर किया जाता है। यानी जल में अविलेय विटामिन कौन से हैं, वो हैं ए डी ई और के, और जल में विलेय विटामिन है वो है बी और सी। अभी देखिए बात करते हैं विटामिन ए की, तो इसका अर्धसूत्र होता है C20H29OH, इनका रासायनिक नाम रेटिनॉल या एक्सेरोफाइटोल है। मुख्य स्रोत है इसका दूध, मछली, पालक, सलाद, बंद गोभी, धनिया, आम, पपीता। इनकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। बात करते हैं विटामिन बी की, पहले इसको एक पदार्थ समझा जाता था, परंतु आज 12 विटामिन बी ज्ञात हैं, जिससे B1, B2, B3, B6, B12, इनके मुख्य स्रोत दाल, अनाज, दाने, पत्तेदार तरकियां, दूध के पदार्थ, और इनकी कमी से बेरी रोग हो जाता है, त्वचा रोग भी हो जाता है। बात करते हैं विटामिन सी की, इसे एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं, इसका अर्धसूत्र होता है C6H8O6। मुख्य स्रोत इसके खट्टे पदार्थ होते हैं नींबू, नारंगी, आंवला। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला विटामिन आता है विटामिन डी, यह एक संकीर्ण पदार्थ है, कम से कम 4 पदार्थ मिले होते हैं। मुख्य स्रोत है इसका मक्खन, घी, अंडे, मछली, सूर्य की परावैगनी किरणें। इनके अभाव से हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं और रिकेट नामक रोग हो जाता है, गर्भ में बच्चे के शरीर को स्वस्थ बनाने में उपयोगी है। बात करते हैं विटामिन ई, प्रजनन विटामिन है, मुख्य स्रोत है इसके गेहूं, अंडे, दूध, गोश्त। इसकी कमी से प्रजनन शक्ति कमी हो जाती है, जंतु नपुंसक भी हो जाते हैं। बात करें विटामिन के, तो इसका रासायनिक नाम है फाइलोक्लिनोन, हरे पत्तों वाली सब्जियों में पाया जाता है। इसके अभाव में रक्त का थक्का जमने लगता है। धन्यवाद।